दोस्तों लोग बजाज फाइनेंस को ज्यादा बेटर ज्यादा अच्छा क्यों मानते हैं, किन किन मामले में ज्यादा बेटर है ज्यादा अच्छा है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग को लाइक करके सपोर्ट कर देना, अगर आप चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बजाज फाइनेंस इंडिया की टॉप कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है, और हमेशा लोगों की शिकायत रहती है ECS चार्ज को लेकर, मेरे अकाउंट से पैसा अधिक कट गया, लोग यहाँ वहाँ कंप्लेन करते रहते हैं। बस यहाँ पे देखो जो सच्चाई है वो आपके संग शेयर करूंगा। बजाज फाइनेंस का जो EMI कार्ड है, अभी तक कितने भी EMI कार्ड मार्केट में क्यों नहीं आ जाए, पर इसको टक्कर देने वाला अभी तक नहीं आया है। मतलब कि अगर आपको कोई भी लो कॉस्ट पे अगर आपको सामान मिल रहा है, पेटीएम पे या आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अदर मर्चेंट पे, आप बजाज का कार्ड नंबर डालो, सिलेक्ट करो, उसी सामान को नो कॉस्ट पे 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 मंथ के लिए आप ले लो, बिना किसी इंटरेस्ट बिना किसी चार्ज का। ऑनलाइन की बातें कर रहा हूँ, कन्वर्सन साल 400 से 150 रुपये लगते हैं। तो इस मामले में मुझे इसको ज़्यादा लाइक देना चाहिए और ज़्यादा अच्छा बनता है। क्यों, देखिए कोई भी कंपनी हो हमेशा वो आपसे ज़्यादा पैसा लेती है EMI में कन्वर्ट करने पे। क्रेडिट कार्ड है, आप EMI में कन्वर्ट करो, आपको चार्ज लगाएगी, सब कुछ लगाएगा, बट ये आपको HJ नहीं लगाती है। तो फिर यहाँ पे बजाज का जो EMI कार्ड है, ये नंबर वन आज के टाइम इसलिए बना है क्योंकि ये अपना एक अलग ही रूप, एक अपना अलग ही जलवा दिखाता है। तो बजाज EMI कार्ड को कोई फेल नहीं कर सकता है। तो मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारे फ़ोन ऑर्डर किए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मंगाए, अब कोई मुझे नुकसान नहीं लगा। काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे अकाउंट से पैसा डबल कट गया। देखिए परेशान वो लोग होते हैं जो बजाज की पॉलिसी को समझते नहीं हैं। 2 तारीख को पैसा डेबिट होने वाला होता है, कुछ लोग पैसा रात को डाल देते हैं, कुछ लोग पैसा आज ही डालेंगे, आज मान लो 2 तारीख है, इसके बाद पैसा आपको हमेशा 2 से 3 दिन पहले डालना चाहिए। पैसा डेबिट आपके अकाउंट से नहीं हुआ तो 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन वेट करो, तो बैंक का ऑफिशियल कॉल ईमेल ना आए, पेमेंट आप दोबारा मत करो, वेट करो, पैसा कभी भी आपका कट सकता है, इसकी पॉलिसी समझते नहीं है। पैसा एक बार पेमेंट करी दोबारा पैसा कट जाता है, तो आपको इसके सिस्टम को पहले समझना है। फिर यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा अच्छी सर्विस चाहिए EMI कार्ड के मामले में, तो बजाज EMI कार्ड ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप बताना कि आप किसको लाइक करते हो, आप कैपिटल फर्स्ट या HDFC फाइनेंस EMI कार्ड की बात कर रहा हूँ, या आपका होम रेट का उज्ज्वल EMI कार्ड, या बजाज फिंसर का EMI कार्ड, किसको ज़्यादा पसंद करते हो। बट मैं बता दूं कि मुझे बजाज EMI कार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है मेरा कमेंट पे देना, मैंने तारीफ नहीं किया ना मैंने प्रमोशन किया, जो मेरा रिव्यू था जो मैंने यूज किया था वो मैंने आप तक बताया। तो आप लोग इस कार्ड को बनवाने के लिए नियर स्टोर में चले जाइए, आपका बन जाएगा, ऑनलाइन बनवा सकते हो, बट आप नियर स्टोर में जाके फोन फाइनेंस करवा लो, कुछ भी फाइनेंस करो तो बन जाएगा बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। फिर आप एक दो और EMI पे करके आप 4-5 महीने बाद आसानी से आप जो है अपना करवा सकते हैं दूसरा लोन ऑनलाइन। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।